हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है, आज सुबह सुबह 6 बजे जागे हैं। आज जा रहा हूँ मैं हाथ धोने के लिए, फ्रेश हो। क्या 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 आज होगा वो बताएंगे और दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। मुँह हाथ धो लिए, अब मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए। अब जा रहे, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद आज का जो काम होगा वो काम दिखाएंगे और करेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो नई ड्यूटी है, छुट्टी पर है। तो हम घर का काम कर लेते हैं जो है बाकी। चलते हैं, अब खा लेते हैं, थोड़ा खा के जाते हैं। थोड़ा बाड़ी में काम है, वो बाड़ी का काम करके आपसे दिखाते हैं। हाँ गाइस, अभी हम खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो उतने में भाई जान आया। सिरहा से आया था वो काम पर से, बाहर भाभी भाभी को और बउआ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया था। तो उतने में बोला कि मखना में रोड पर जितना चीज़ बालू गिट्टी जितना चीज़ था, वो सरकारी सरकारी गाड़ी आके JCB ट्रैक्टर से आके उठा के सबका फेंक रहा है। तो अपना बालू भी रोड पर नाला पर है, रोड पर तो नहीं, नाला पर है। तो वही भाईजान बोला कि हटा लेने के लिए, हटा लो नहीं तो आके वो भी फेंक देगा। तो चलते दिखाते कहाँ पर है उसको फेंकना है। धूप इतना कड़ा है ना, क्या बोले, कुछ नहीं। चलते दिखाते आगू। देखिए वहाँ, वहाँ तो आ चुका है। ये अपना बालू हो गया, इसको हटाना है। इसको हटा के रखेंगे झाड़े फेंकने के लिए, तब दिखाएंगे आप सबको। अगर ये जन था पूरे को फेंक चुके, पूरे फेंक है जी। हाँ, पूरे फेंक दिए गाइस। और जा रहे नहाने के लिए, थक चुके, और रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। नहा के फिर जो काम रहेगा वो काम करेंगे। वो सरकार से को भी क्या क्या पड़ता था पता नहीं, अचानक भैया ऐसी ऐसी बात बोला तो जाके करना पड़ा। उसके बाद आए तो JCB और ट्रैक्टर सब भी था, तो देखा फेंकते हुए तो कुछ नहीं बोला, बोला जल्दी फेंक लो बाबू, उधर से रिटर्न आएंगे तो नहीं फेंकाना रहेगा तो लोड करके ले जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी एक टिप ट्रैक्टर पूरे आध घंटा में फेंके। अकेली थे और कोई नहीं था, थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके नहाएंगे, तब जो काम रहेगा वो काम करेंगे। सोचे छुट्टी है, छुट्टी में रेस्ट करेंगे। क्या रेस्ट करेंगे कि ड्यूटी से भी हार्ड ड्यूटी पड़ रहा है घर पर। लीजिए तब तक के लिए जा रहे हम रेस्ट करने, उसके बाद नहाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे, थोड़ा सोचे काम कर लेने के लिए। तो अब्बा का फोन आ गया था, अबू बोला बैंक जाने के लिए, तो वही आप सीधा जा रहे। बैंक का थोड़ा काम है, थोड़ा मेरे दुकान पर भी थोड़ा काम है, तो वह काम करके आते हैं। बैंक का भी जो काम है, टाइम तो अभी है 3:30 हो चुका है। अब खुला होगा कि नहीं खुला होगा बैंक पता नहीं, क्योंकि चलते हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी तो नहीं है अभी अपने पास, तो जा रहे हैं। और ये मेरा छोटा भाई है, दांत है इसका नाम। दोनों भाई जा रहे हैं साथ में, थोड़ा दुकान पर भी काम है, काम लटपटा के आते हैं। बस का टिकट भी कटाना है। दादी और भैया कल शायद जाएगा काठमांडू, दादी का ऑपरेशन हुआ था ना, उसके लेकर जांच है। तब तक चलिए
आगे दिखाते हैं बैंक खुला है कि नहीं खुला है उसके बाद। हाँ गाइस, आधा रास्ता तक पहुँच गए, अब ये सीधे सिरहा जाएगा रास्ता, तो ये जा रहे हैं हम। धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो लग रहा है। मखना तक क्रॉस कर लिया, अब सिरहा जा रहे हैं। बैंक पहुँच के आप सबको हम दिखाते हैं, खुला हो बंद रहेगा तो फिर दिमाग ख़राब होगा। हाँ गए जाए थे हम बैंक से थोड़ा दुकान, रुपेश भैया, ओ रुपेश भैया, तो दो दिन से कैसा मन लग रहा है, मजा आ रहा है? अब जा रहे हैं घर, ला भैया जी ज़्यादा, ठीक है हैं, ला ले दो जइयो, ठीक छ हजूर, ठीक है सुनी। जा रहे हम लोग घर पर, घर जा रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई है दातुल सिंह, अब जा रहे हैं घर, जाके आप वीडियो डालेंगे। हाँ गाइस, आप पहुँचने वाले हैं सिरहा, मखना से निकल गए, वो बत्ती जल रहा, वो रमोल हुआ मिर्सा गाँव, 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय।